यदि हम परिस्थिति के साथ चलें तो अहिंसा के विकास का अवसर बहुत कम आता है। हिंसा को उभारने वाली परिस्थितियां बहुत ज्यादा है। अहिंसा प्रशिक्षण और उसके प्रयोग इस दिशा में हो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी आदमी अहिंसा को सामने रख सके और अपराध से बच सके। ऐसे मस्तिष्क का निर्माण, कोई भी हमारा आचरण होता है, हमारा कोई भी व्यवहार होता है, उसका संचालन कौन करता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। शरीर संचालन करने वाला नहीं है, प्रवृत्ति करने वाला है। संचालन करने वाला हमारा मस्तिष्क है, वह सारी प्रवृत्तियों का संचालन करता है और वहाँ से जो आदेश मिलता है हमारा शरीर काम करता है। पैर में कांटा चुभा, हाथ कांटा नहीं निकालेगा, कांटा चुभा है उसकी सूचना मस्तिष्क तक जाएगी। हमारी जो सेंसरी नर्व है वह मस्तिष्क को सूचना पहुंचाएगी, फिर मस्तिष्क में सारा निर्णय होगा और मस्तिष्क के द्वारा जो हमारे मोटार नर्व है उसको आदेश मिलेगा कि कांटा निकालो, तब अंगुली कांटा निकालने में लगेगी। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी में होती है पता ही नहीं लगता, पर भीतर में सारी प्रक्रिया होती है, सारा संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है। हम चाहे हिंसा की बात करें चाहे अहिंसा की बात करें, उन दोनों पक्षों में हमारे आगे रहेगा मस्तिष्क। क्या मस्तिष्क कैसा है, मस्तिष्क में क्या इनपुट किया गया है, क्या भीतर में प्रवेश कराया गया है और वहाँ से वापस क्या बाहर आदेश आ रहा है, उस पर बहुत निर्भर है। आज अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को मस्तिष्क विद्या का कुछ तो अध्ययन होना ही चाहिए। ऐसे तो बहुत बड़ी विद्या है, आज बहुत विकसित हो गई मस्तिष्क विद्या, पर उसका कुछ अध्ययन जरूरी है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और कैसे आदेश निर्देश देता है, कैसे उसके पास सूचनाएं पहुंचती है और उन सूचनाओं के आधार पर वह क्या क्या करता है। एक आदमी कोई गलत व्यवहार कर रहा है, दूसरा तो ये देखेगा कि अच्छा नहीं है, गलत व्यवहार कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, उस पर हम ध्यान दें तो वह तो बेचारा पराधीन है। हाथ कोई गलत काम नहीं करता, पैर कोई गलत काम नहीं करता, मस्तिष्क सूचना देता है, निर्देश देता है, तो वे काम में लग जाते हैं, उस काम में लगते हैं। अब मस्तिष्क में जो है हमारे व्यवहार का नियमन, मनोविज्ञान के अनुसार या शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कही जाती है, वे हमारे व्यवहार का नियमन करते हैं। हम भोजन पर क्यों इतना ध्यान देते हैं, हर धर्म में आहार पर विचार किया गया, गीता में भी अच्छा विचार किया गया,
सात्विक राजस और तामस भोजन पर विचार किया गया। जैन आगमों में भोजन पर बहुत विचार किया गया, बड़ी सूक्ष्मता से किया गया। ऐसे तो लगता है कि भोजन पर इतना बल क्यों दिया, पर जब हम इस वैज्ञानिक बात पर विचार करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे व्यवहार का नियंत्रण करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का आहार के साथ बहुत संबंध है, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा। और इस सच्चाई को भारतीय योगियों ने या अध्यात्मविदों ने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, और इसीलिए ये एक सुक्तियाँ भी सामान्य आदमी के सामने आ गई कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न खाता है वैसा मन होता है। अब इस बात को हम ऐसे तो नहीं समझ सकते, पर अगर आज के वैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ में इसको देखते हैं, इस छोटी सी युक्ति का कितना बड़ा महत्व है कि आप जैसा भोजन करेंगे वैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा, और जैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा वैसा आपका व्यवहार होगा। अब जब पूरा एक भोजन का महत्व हो जाता है तो भोजन का कितना महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है कि हम आहार का विवेक करें, तो अहिंसा के प्रयोग का एक पहला सूत्र होगा आहार का निर्धारण। जो व्यक्ति अहिंसा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, अहिंसा के क्षेत्र में विकास करना चाहता है, उसे सबसे पहले आहार पर ध्यान देना चाहिए कि उसका आहार कैसा हो, फिर आहार की मात्रा पर भी विचार होना चाहिए। आदमी ज़्यादा खाएगा वह पचेगा नहीं, एक आदमी ज़्यादा भारी चीज़ खा लेता है पचती नहीं है। आखिर पाचक रस तो जितना स्रवित होता है उतना ही होता है, हमारी लीवर काम करती है उतना ही करती है, पाचक रस उतना ही मिलता है, और ज़्यादा खा लिया तो वह पचा नहीं पाएगी, भीतर में सड़ान पैदा होगी और फिर समस्याएं पैदा होगी। आहार का संयम कैसा होना चाहिए यह धर्म के लिए बहुत ज़रूरी बात है, और यदि हम बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो देश और विदेश, चाहे भारतवर्ष चाहे बाहर के देश, सब में जो साधक हुए हैं उन्होंने सबसे पहले आहार को प्राथमिकता दी है। टॉलस्टॉय से पूछा गया कि साधना कहाँ से शुरू करें, उन्होंने कहा उपवास से शुरू करो। साधना का पहला है उपवास। उपवास का अर्थ कम खाना और चेतना के पास रहना। उपवास का अर्थ केवल नहीं खाना नहीं है, सबकी दृष्टि से विचार करें उपवसति यानि निकट रहना। किसके निकट रहना, कि पदार्थ से थोड़ा हटकर और आत्मा के निकट रहना, आत्मा की सन्निधि में रहना। अब खाएगा तो पदार्थ का संपर्क होगा, नहीं खाएगा तो पदार्थ का संबंध तो छूट गया और चेतना की सन्निधि में चला गया। तो यहाँ से प्रारंभ होता है साधना का, और अहिंसा का प्रारंभ बिंदु भी यही है कि जहाँ भोजन का विवेक नहीं है, भोजन का संयम नहीं है, वहाँ अहिंसा का विकास होने में कठिनाई हो जाती है। अहिंसा प्रशिक्षण का एक प्रारंभ बिंदु आहार का विवेक और आहार का संयम। हम दूसरी बात पर विचार करें, हमारा प्रशिक्षण और प्रयोग किस आधार पर होना चाहिए। तो दूसरी बात है हमारी वृत्तियाँ, वृत्ति। महर्षि पतंजलि ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। जैन आगमों में आश्रव शब्द का प्रयोग है, वृत्ति आश्रव। और वर्तमान की दृष्टि से विचार करें, मनोविज्ञान की दृष्टि से,
तो उसमें है इंस्टिंक्ट, मौलिक मनोवृत्ति। इंस्टिंक्ट हमारी जो हैं, हमारी जो मौलिक मनोवृत्तियां हैं, अब ये हैं तो इन पर विचार करना जरूरी है। मनोविज्ञान के अनुसार कि संघर्ष एक मौलिक मनोवृत्ति है, और इस मौलिक मनोवृत्ति की व्याख्या के आधार पर बहुत लोग संघर्ष में विश्वास करने लग गए और ये चल पड़ा कि जीवन तो एक संघर्ष है, जीवन एक संग्राम है, एक स्ट्रगल है, और उसमें तो अनिवार्यता है हमारी। तो वृत्ति के आधार पर ये सारी मान्यताएं बन गई और वे तत्व फिर हमें हिंसा में प्रवृत्त करते हैं। तो आश्रव है, एक वृत्ति है और एक मौलिक मनोवृत्ति है। अब इस पर ध्यान देना होगा कि वृत्ति का परिष्कार कैसे किया जाए। हम वृत्तियों से मुक्त तो नहीं हो सकते जब तक कोई व्यक्ति वीतराग नहीं हो जाता, वीतराग की कक्षा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वृत्तियों से, आश्रमों से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे साथ रहेंगे किंतु उनका परिष्कार करना, परिष्कार उनका परिकर्म करना, परिष्कार एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम परिष्कार करते हैं तो काफ़ी उसमें अंतर आता है। भगवान महावीर ने जो अहिंसा के महान प्रवक्ता हैं, प्रयोक्ता हैं, सबसे ज़्यादा इस बात पर बल दिया कि डरो मत, डरो मत। और इतना बढ़िया सूक्त महावीर के मिलते हैं कि डरो मत, और वे स्वयं भी नहीं डरे, भय नहीं था, कोई भी भय नहीं था। जब चरवाहों ने कहा ओ साधु इस रास्ते से मत जाओ, क्यों, आगे भयंकर सर्प है, और वह भी दृष्टि भी सर्प, सूरज के सामने देखकर, और जिस पर वह दृष्टि डालता है बाद में वही ढेर हो जाता है, तुम इधर मत जाओ। महावीर तो गए, बात नहीं मानी। नहीं मानने का मतलब यह नहीं कोई दुराग्रह था, उन्हें कोई भय नहीं था, भय नहीं, अहिंसा भी है भय भी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अभय है वह अहिंसा का विकास होगा, जहाँ अभय नहीं है अहिंसा का विकास संभव नहीं है। तो आज हम सारे विश्व की स्थिति को देखें कि पूरा विश्व डरा हुआ है, कोई एक देश नहीं, कोई छोटा देश नहीं, कोई कमजोर देश नहीं, बड़े से बड़ा देश भी डरा हुआ है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संपन्न देश माना जाता है वह भी बहुत डरा हुआ है। तो जहाँ भय है अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। ये भय की वृत्ति कैसे बदले तब कोई अहिंसा की बात आ सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अभय का विकास होता है, भय की वृत्ति समाप्त होती है, वे फिर हिंसा में नहीं जाते। एक घटना पर ध्यान दें, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था ब्रिटेन पर, जर्मन बमबारी कर रहा था, भयंकर बमबारी हो रही थी, सब लोग डरे हुए थे, और कोई बंकर में, कोई खाई खदान में जाकर रात को शरण लेते सोते, एक महिला खुले में सोती, छत पर सोती, अपने घर पर सोती, कोई कहीं सुरक्षा के स्थान पर नहीं जाती। तो किसी ने कहा कि तुम्हें मर जाओगी, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। उसने कहा डर किस बात का, डर किस बात का, तुम नहीं जानते, मैं सोती हूं तो मेरा प्रभु मेरी रक्षा करता, फिर मुझे डर किस बात का। एक आलंबन बना लिया उसने, और उस आलंबन से अभय बन गई, अभय हो गई महिला, डरी नहीं। जो व्यक्ति भय मुक्त होता है डरता नहीं है।
एक बार हमारे सामने प्रश्न आया कि सैनिक कितना अभय होता है, संग्राम के मोर्चे पर आगे चला जाता है, जहां जानता है भी प्राणों से खेल रहा है तो भी डरता नहीं है। तर्क तो ठीक लगता है कि सैनिक डरता नहीं है। दूसरे कोण से विचार करें तो अगर सैनिक डरता नहीं है, क्यों नहीं डर रहा है? अगर नहीं डरता है तो शस्त्र रखना निकम्मा हो जाता है। कोई भी अभय आदमी अपने पास शस्त्र नहीं रखता, शस्त्र नहीं रखता, उसको आवश्यकता नहीं होती। महात्मा गांधी पर कितना दबाव था कि आप सुरक्षा में रहें, खतरा है, उन्होंने सर्वथा स्वीकार कर दिया, किसी सुरक्षा में नहीं रहूंगा, कोई खतरा नहीं है। जब महावीर से कहा गया कि आप अकेले हैं और लोग बड़े अज्ञानी हैं, आपको कष्ट देते हैं, नंदीशेन ने कहा होगा कि आपके साथ में सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दूं। महावीर का उत्तर था कि नैतद् भूतम् भविष्यति, न हुआ न होगा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा में रहकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, ये कभी हुआ नहीं होगा भी नहीं। हमारा सारा आंतरिक विकास रुक जाता है भय के वातावरण में। तो अभय का प्रयोग, हम लोग हिंसा की वृत्ति को बदलने के लिए और उससे पहले भय मुक्ति के लिए अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराते हैं। अभय की अनुप्रेक्षा, अहिंसा के विकास के लिए या अहिंसा में प्रवेश करने के लिए तीन अनुप्रेक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक अभय की अनुप्रेक्षा, एक सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा और एक विनम्रता की अनुप्रेक्षा, चौथी लें तो सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। ये चार प्रयोग हैं जो व्यक्ति में अहिंसा की चेतना को जागृत करते हैं। अगर सहिष्णुता नहीं है, पग पग पर हिंसा का विचार भाव आ जाएगा, आप दूसरे को सहनी नहीं कर पाएंगे। सहनी नहीं होता, बड़ी समस्या होती है। और अभय नहीं है तो भी अहिंसा नहीं हो सकती। यदि विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो अहिंसा का विकास नहीं कर सकते। कितनी विनम्रता होनी चाहिए अहिंसक में। और मैंने देखा, बहुत गहराई से ध्यान से देखा कि जितने बड़े बड़े अहिंसक हुए हैं उतने ही वे विनम्र थे। इतने विनम्र कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने ज्यादा विनम्र। और सामंजस्य यानी दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना। हमारी विरोधी तत्वों वाली दुनिया है, विरोधी तत्व बहुत हैं। अगर हम सामंजस्य की कला को नहीं जानते तो दिन भर लड़ते रहो, झगड़ते रहो, हिंसा के बुरे विचार आते रहेंगे। सामंजस्य होता ही नहीं, प्रकृतियां मिलती नहीं, प्रकृतियां तो नहीं मिलती, पर सामंजस्य बिठा लें। किसी हम लोग ठहरे हुए थे घर में, घर तो खाली था पर कुछ काम चल रहा था, खाती आया और खिड़की लगाने लगा। मैंने ध्यान से देखा और हर घटना को हमें सूक्ष्मता से पढ़ना चाहिए, उससे बहुत बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है। एक बार एक किवाड़ को उतारा और थोड़ा बड़ा था छीला, फिर नहीं हुआ, दूसरे को उतारा, छीलता गया, काट छांट करता गया। अब काट छांट करने में और दोनों किवाड़ों को फिट करने में कई घंटा लग गए। तब मैंने साधुओं से कहा, देखो ये किवाड़ तो अचेतन है, इनमें कोई नए भाव है, न कोई मन है, न को और कोई वृत्तियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी जहाँ फिटिंग करना, दोनों को फिट बिठाना है, कितनी काट छांट करनी पड़ती है। और मनुष्य में आग्रह होता है, काट छांट को सह नहीं करता, मैं तो हूँ जैसा रहूँगा, बस मैं तो यही मानूंगा, यही रहूँगा, इतना आग्रह पनप जाता है कि वह सामंजस्य कर नहीं सकता। परिवार में भी सामंजस्य नहीं कि नहीं, मैं तो इस विचार को नहीं बदलूंगा। मैंने अनेक लोगों से सुना कि ऐसा मैं तो नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा,
आचार्य तुलसी एक बार मेवाड़ की यात्रा कर रहे थे, एक गांव में पधारी। ऐसा पगडंडियों का रास्ता था, मैं तो दूसरे क्षेत्रों में चला गया, आचार्य वर उधर पधारी। घटना मैंने सुनी आचार्य वर के मुंह से। वहाँ एक परिवार, जो प्रमुख परिवार था, व्यवस्था करने वाला था, लोगों ने कहा महाराज ये परिवार तो बहुत अच्छा है, पर भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं, बोलते ही नहीं आपस में। आचार्य वर ने बड़े भाई से कहा कि देखो तुम दोनों भाई हो, सगे भाई, अच्छा नहीं लगता, सामंजस्य स्थापित कर लो। काफ़ी समझाया, बोला गुरुदेव मैं आपका भक्त हूँ, पक्का श्रावक हूँ, आप कहें तो मैं तावड़े खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा, पर भाई से समझौता तो नहीं। इतना आग्रह आदमी में होता है, ये एक घटना नहीं, घर घर में आप देख लें ऐसा आग्रह बहुत जगह आपको मिल जाएगा। और पारिवारिक हिंसा, व्यक्तिगत हिंसा और पारिवारिक हिंसा, ये पारिवारिक हिंसा बड़ी खतरनाक है, वहां से हिंसा आगे बढ़ती है। काफी समझाया, आखिर चला गया। फिर चिंतन बदला, मैंने अच्छा नहीं किया, गुरुदेव के सामने ऐसी बात कह दी, अच्छा नहीं किया। फिर दोपहर में आया, आकर बोला गुरुदेव अब मैंने चिंतन बदल दिया, आपका आदेश है, मैं अब समझौता कर लूँगा। बात हो गई, समाप्त हो गई। तो आदमी में आग्रह बहुत है, अपने अहंकार बहुत है, और अहंकार हिंसा को बहुत बड़ा जन्म देता है। तो विनम्रता की अनुप्रेक्षा, ये चार प्रयोग हैं, अभय की अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, विनम्रता की अनुप्रेक्षा और सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। ये चार प्रयोग इतने महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के अंतस को बदल देते हैं और ऐसी उर्वरा तैयार करते हैं कि उसमें अहिंसा का बीज बोया जा सकता है और वह फलित हो सकता है। इसलिए हम अहिंसा की चर्चा करते समय बाहरी परिस्थितियों को भी नज़रअंदाज न करें, तो साथ साथ भीतर की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको भी नज़रअंदाज न करें। दोनों पर ध्यान देकर, और बाहर की परिस्थितियां तो पुरुषार्थ के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और भीतर की परिस्थितियां इन प्रयोगों के द्वारा अगर हम सुलझाएं तो व्यक्ति को अहिंसक बनाया जा सकता है और अहिंसा की चेतना को जगाया जा सकता है।